भाई चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी वापस से कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो सभी लोग अपने घरों में रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएं, और जाएं तो जो है मास्क लगा के जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है सभी को। और आज मैंने ये वाले इयर रिंग पहने हैं, ये इसको बोलते हैं सुई धागा, और ये जो है ये गोल्ड का है। और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए कि साड़ी पे ये। मेरे बाके बिहारी लाल तो करियो ना इतना सिंगा, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तो करियो ना इतना सिंगा, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बोलो कृष्ण। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने पापा जी को नीचे छोड़ने जा रहे हैं, आए हैं लेने के लिए। उनका चेकअप है आज, तो बस वो सब्जी भी लेके आए थे तो बोले थे आ जाओ लेने के लिए, तो बस यहाँ पे वो इनको लेके जा रहे हैं पापा जी को। और यहाँ सब्जी भी ले आए हैं। तो आरिका को जाना था घूमने के लिए, लेकिन अभी नहीं जाना है बाहर। काजल, तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊंगी लंच। तो थोड़ा सा हुआ था तो मैंने इसको रख दिया। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, तो बस वही थोड़ा सा बचा था तो मैंने उसको भी धो दिया निकाल के। और अब मैं बनाऊंगी लंच। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। तैयारियों में लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी की, ये आ जाएंगे तो फिर देर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दाल रख रही हूँ एक साइड में, तो दाल के लिए मैंने टमाटर निकाला है, तो ये दिखा रही थी आपको। यहाँ पे टमाटर डालूँगी मैं दाल के अंदर, मिक्स दाल में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं लंच फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि ये पापा जी को लेके गए हैं दिखाने के लिए, और वापस आएंगे तो लंच करेंगे फिर ऑफिस जाएंगे। तो बस वही मैं फटाफट लगी हुई हूँ, मैंने कहा फटाफट उनके आने से पहले बना लूँ, कहीं लेट ना हो जाए। वैसे तो मॉर्निंग में बन जाता, लेकिन आज ये लेके नहीं गई क्योंकि पापा जी को भी दिखाने लेके जाना था, तो बोले घर आऊँगा तभी खाना खा लूँगा मैं। आरिका तो जैसे देखेगी मम्मा किचन में आई तो बस उसकी फरमाइश सब स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना मम्मा ये दो। अब मैं जल्दी में रहती हूँ और फिर उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझे फंसाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भिंडी को कट कर रही हूँ, और फिर मैं उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। एक साइड में मैंने दाल रख दिया है, एक साइड में मैंने राइस रख दिया है, और रोटी तो तभी बनाऊंगी जब वो लोग आएंगे गरम गरम। तो अभी मैं फटाफट बस इधर मैं चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने फिर से बनाई है, एक दिन मैंने शेयर किया था आपके साथ अमिया की और पुदीने की धनिया की चटनी, तो वही भी आज मैं बनाने वाली हूँ। तो बस वो सब भी कर रही हूँ, इधर मैं सब्ज़ी को तड़का लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ भिंडी, और ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो वही मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑनियन कट कर रही हूँ। तो
ऐसे मिर्च मैं ऐसे रख देती हूँ डिब्बे में, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है, हरी मिर्च एकदम फ्रेश रहती है। देखिए तो अभी मेरा ऑनियन चॉप कर लिया है और मैंने कढ़ाई रख दिया है, तेल गरम हो गया है और अब मैं तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था और जीरा, और मैंने यहाँ पे हींग और फिर हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी, पूरा ज़्यादा नहीं मैं भूनूँगी, और उसके बाद फिर भिंडी काट लिया वो मैं डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, नमक बाद में डालूँगी, क्योंकि पहले नमक डालने से भिंडी चिपचिपी बनती है, और अगर आप एक आलू डाल देते हैं काट के तो अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक आलू डाला है और भिंडी एकदम खिली खिली बनी है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनी है। तो ये भिंडी भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मेरी धनिया पुदीने की चटनी की तैयारी कर ली है और मैं पीस रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा था। तो देखिए मेरी धनिया पुदीने की चटनी भी बन गई है, टेस्टी टेस्टी। तो ये मेरी दाल बन गई है मिक्स दाल, इसमें तड़का लगाना है, लहसुन से लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा लंच भी हो चुका है, अभी लोग आ गए थे और मैंने खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया, उसके बाद मैं फ्री होके फिर मैंने ये वीडियो शूट किया है आप सभी के लिए। और आज मैंने ये वाले इयर रिंग पहने हैं, ये इसको बोलते हैं सुई धागा, और ये जो है ये गोल्ड का है। और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। साड़ी पे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आज साड़ी पहन रही हूँ तो पहन लेती हूँ। तो ये गोल्ड रिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी पुराना है ये, क्या 8-10 साल पुराना तो हो गई। इसको बोलते हैं सुई धागा, ये ऊपर से डालते हैं और ये जो पार्ट है ना यहाँ से खुलता है और फिर यहाँ से ऐसे करके कस देते हैं, तो इसलिए इसका नाम सुई धागा है। और मेरे पास दो तरह का है सुई धागा, एक और बड़ा डबल लेयर वाला है, वो भी मैं कभी पहनूंगी तो आप सभी को शेयर करूंगी। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने कहा चलो ये भी आज दिखा देती हूँ, पहना है तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने परसों एक वीडियो डाला था, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो मायके और ससुराल के बारे में बताया था, तो वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि जो आपकी यूट्यूबर सिस्टर इन लॉ हैं वो कौन है, उनके चैनल का क्या नाम है। तो आज के वीडियो में वो बताने वाली हूँ आपको कि मेरी जो यूट्यूबर सिस्टर हैं वो कौन हैं, उनके चैनल का क्या नाम है। और तो मैं आप सबको शायद शेयर करती हूँ, बहुत लोग तो जानते भी हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो मेरी सिस्टर हैं उनके चैनल का क्या नाम है, उनके चैनल का नाम है देसी लाइव सुमन ब्लॉग, और उनका चैनल का नाम है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मेरे सबसे छोटी ननद हैं। और मैंने बताया था जैसा कि मेरी 3 नंदे हैं तो ये सबसे छोटी वाली हैं, और ये जो हैं बाहर रहती हैं, इंडिया में नहीं रहती हैं, तो बहुत कम आना हो पाता है। तो बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आपकी भाभी हैं और आप उनकी ननद हैं पर आप कभी भी उनके ब्लॉग में नहीं दिखती हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप सबको मैं आज बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरी जब से 3 साल होने वाले हैं वो आई ही नहीं है। तो ब्लॉगिंग मैंने ब्लॉगिंग जो स्टार्ट की है वो 6 मंथ हुए हैं अभी मुझे स्टार्ट किए, उससे पहले मेरा एक और चैनल है वो है पुष्प, जो मेरा फर्स्ट चैनल है वो है पुष्पलता किचन। तो वहाँ पर मैं रेसिपी शेयर करती थी, तो जब वो उस टाइम पर आई थी तो मैं रेसिपी करती थी शेयर, तो वहाँ पे तो मैं नहीं डाल सकती किसी को, तो इसलिए वो मेरे ब्लॉग में नहीं, मेरे उस पर नहीं आई थी। मैंने ब्लॉगिंग को मेरे 6 मंथ हुआ है या 3 साल होने वाला है, अभी तक आई नहीं है। तो आप लोग अगर वो अभी कोविड नहीं होता तो वो ज़रूर आती, और अब शायद इस बार भी मुश्किल है आना, क्योंकि अभी वापस से इतनी तेज़ी से बढ़ गया है। तो अगर वो आती हैं तो हम लोग ज़रूर एक साथ ब्लॉग बनाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाएंगे, और आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे अगर वो आती हैं तो। तो आज आपके दोनों सवाल
क्लियर हो गए। और मैं उनकी रियल भाभी हूँ, वो मेरी रियल ननद हैं, और आप लोग ज़रूर उनके साथ मेरा ब्लॉग आगे देखेंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें और उनका भी साथ दें। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं यही बोलूँगी आप सभी से कि उनको भी सपोर्ट करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।